अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर वीडियो कंप्रेशन के लिए बेस्ट है और कैसे हम उनसे वीडियो कंप्रेस कर सकते हैं, वो भी क्वालिटी को लूज किए बगैर। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। पहले इसको इंस्टॉल करते हैं। इसको अनचेक करके फिनिश करते हैं ताकि हम दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकें। अब हम यूनी कन्वर्टर के साथ इसको कंप्रेस करते हैं। पहले यहाँ पर वीडियो कंप्रेसर में आना है। जिस वीडियो को आपने कंप्रेस करना है उसका फोल्डर ओपन करना है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। लोड होने के बाद ये इस तरह आ जाएगी। यहाँ पर 30% लिखा हुआ है, यानी फाइल का टोटल 30% कंप्रेस होगा। हम 70% रखेंगे ताकि फुल कंप्रेस हो जाए। इसके साथ हमारी कंप्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसको क्लोज करते हैं, उसी फाइल को इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ वेब ऑप्टिमाइज पर चेक करना है। वीडियो टाइप में आप जाकर इस की क्वालिटी लो और नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में यही बेस्ट है जो डिफ़ॉल्ट में सेट हो चुका है। कंप्रेस करने के लिए आपने बस इनकोड पर क्लिक कर देना है। हमारी फाइल कंप्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इनको कंपेयर करते हैं कि कौन सा बेस्ट है। तो ये हमारी ओरिजिनल फाइल थी, इसकी प्रॉपर्टीज़ पर जाते हैं। ये वो फाइल है जो हैंड ब्रेक के साथ कंप्रेस हुई, और ये वो फाइल है जो यूनी कन्वर्टर के साथ हमने कंप्रेस की। तो ये देखिए, इसका टोटल साइज 307 MB था और वीडियो लेंथ थी 8:27। और इसका साइज़, ये जो हमने हैंड ब्रेक के साथ कंप्रेस किया है, इसकी एक्सटेंशन आ गई है M4V, और इसका साइज़ 40 MB रहा। तो डिटेल इसकी चेक करते हैं। ये देखें, लेंथ वही सेम है, 8:27। इसकी साइज़ 91 MB रहा और डिटेल में वही सेम डेटा। अब इनकी क्वालिटीज़ को चेक करते हैं। कंप्रेशन के लिए तो हैंड ब्रेक अच्छा है, लेकिन अब वीडियो क्वालिटी चेक करते हैं कि किसकी बेहतर है। तो पहले हम यूनी कन्वर्टर की वीडियो को ओपन करते हैं और इसको भी प्ले कर देते हैं जो हमने हैंड ब्रेक के साथ कंप्रेस की। क्वालिटी इसकी सेम है और साइज़ में बहुत फ़र्क है। आप इनको मज़ीद यूज़ करके देख सकते हैं। मेरी ओपिनियन तो यही है कि हैंड ब्रेक बेस्ट है। यूनी कन्वर्टर को यूज़ करने के लिए बाय करना पड़ता है, लेकिन हैंड ब्रेक